पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जिस पर आप अपने जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए नित्य प्रति कुछ दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए एक अत्यंत जानकारी भरा प्रयोग लेकर के आए हैं कि विशेष रूप से हमारे मन में प्रायः जिज्ञासाएं होती रहती हैं, अमुक वस्तु हमको कैसे प्राप्त होगी या अमुक वस्तु हमको बहुत समय से प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस विषय पर एक अनुभूत मंत्र प्रयोग लेकर के आपके लिए आए हैं और यह मंत्र पहले से भी कई बार हम सब के द्वारा प्रयोग में लाया जा चुका है। इस हम तो वही प्रयोग आपको देने का प्रयास करते हैं जिनको पहले अपने अनुभव में ले लेते हैं। यदि हमने अनुभव नहीं किया तो उन प्रयोगों को आपको नहीं देते हैं। तो यह मंत्र क्या है कि इस किसी भी मंत्र को सबसे पहले सिद्ध करना अनिवार्य होता है, इसीलिए हम विशेष रूप से ऐसे मंत्रों को देते हैं जिनमें लाख, दो लाख, पाँच लाख जप नहीं करना। शावर मंत्र सरल विधि से और शीघ्रता से आपको फल प्रदान करें। तो इस दुर्लभ मंत्र का यह प्रभाव है कि जिस वस्तु को आप हाथ लगा देंगे वह आपके पास आ जाएगी, वह आपको किसी न किसी रूप में थोड़े समय में प्राप्त हो जाएगी। यह मंत्र बहुत दुर्लभ और बहुत ही जानकारी भरा प्रयोग है। बस सावधानी इसमें क्या रखनी है कि इस मंत्र को सिद्ध करके गोपनीय रखना है, क्योंकि इन मंत्रों को भगवती गौरी ने भगवान शिव से लेकर बड़े गोपनीय ढंग से शावर मंत्रों को रखा है। तो इसलिए जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो इसको अपने हृदय में गोपनीय रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा जप करते रहिए। ज्यों ही यह मंत्र आप सिद्ध करने के बाद एक महीने, 40 दिन, 108 दिन लगातार स्मरण करते रहते हैं तो वह मंत्र सिद्ध तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप जप संख्या पूरी करते हैं, लेकिन उस मंत्र को जागृत करना पड़ता है। जागृत मंत्र होने पर तत्काल फलदायी हो जाता है। तो आप पहले मंत्र सुने कि मंत्र क्या है। नमो हंकालो 64 योगिनी, हंकालो 52 वीर, कार्तिक अर्जुन वीर बुलाऊं, आगे 64 वीर, जलबंधी, बलबंधी, आकाशबंधी, पवनबंधी, तीन देश की विद्याबंधी, उत्तम को अर्जुन राजा, दक्षिण को कार्तिक विराजे, आसमान लो वीर गाजे, नीचे 64 योगिनी विराजे, पीतो पाग चली आवे, 56 भैरों राशि उड़ावे, एक बंध आसमान में लगाया, दूजे बांधी राशि द्वार में ले आया। इस तरह से इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार एक एक माला जपना है। 1100 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए और इसको सिद्ध करके अपने पास रख के फिर 11 बार रोज इसका स्मरण करते रहें भगवती के समक्ष दीपक जला करके। धीरे धीरे यह मंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र सिद्ध हो जाने के पश्चात में किसी भी वस्तु को हाथ लगाने पर वह वस्तु साधक के पास स्वयं चली आती है, जहाँ पर मंत्र के अंत में लिखा हुआ है कि दूजे बांधी राशि द्वार में ले आना। तो जब इस मंत्र की पुनरावृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से वह जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं उसका स्पर्श करते हुए यह मंत्र 5 बार, 11 बार पढ़ना है और
दूजे बांधी राशि द्वार में ले आना। यह मंत्र रिपीट करते हुए जब आप कहेंगे तो यह एक अद्भुत प्रयोग है और किसी भी वस्तु पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अनुभूत मंत्र है। इससे और भी प्रकार की प्रयोग विधियों से जब आपको हम विस्तार से बताएंगे तो इससे बहुत प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। अभी इसका यही है कि जिस वस्तु में आप हाथ लगाएंगे वह वस्तु आप तक आ जाए, ये एक बड़ी बात है। और इस प्रयोग की निरंतरता बनाए रखने पर इससे और भी बड़े बहुत प्रकार के लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।